हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। और ये जो पपी है कितना प्यारा क्यूट है, लेकिन ये लेवरा लग रहा है, लेकिन लेवरा नहीं है। तो इसे मेरे बच्चे जो हैं घर में रखना चाहते हैं, और इसका देखिए घर ही बना दिया है। ये कितना खुश है घर में। और हमारे घर के बाहर जो काफ़ी ढेर सारे डॉग्स वगैरह रहते हैं, उसमें से एक फीमेल का बच्चा है ये, तो ये यहाँ पे काफ़ी खुश है। और लेकिन इसकी अचानक माँ गई है, जिससे ये बेचैन हो गया है। अब ये इसकी माँ जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही इसकी माँ। और इसकी माँ भी काफ़ी रो रही है, परेशान हो रही है, तो ये देखा नहीं जा रहा हमसे। हम सोच रहे हैं कि इस बच्चे को रखें या ना रखें, क्योंकि माँ बहुत परेशान हो रही है, लेकिन सोच में पड़ गए हैं। ये देखिए माँ को अंदर ले लिया, तो कितना खुश हो रहे हैं दोनों माँ बेटे। हम ये चाहते हैं कि इस पपी को घर जो है वो अच्छा मिले, जो इसे अपने बेबी की तरह इसकी केयर करे। और हमारी कुछ मजबूरियां हैं जो हम इसे रख नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है मान दे रहे हैं, तो हम सोच में पड़ गए। अभी देखते हैं क्या होता है। बच्चे के साथ साथ माँ भी आ गई, तो हम सोच में पड़े इसे रखें या वापिस दे दें। ये है एक, ये कितना प्यारा है। तेरे सामने ये इसकी माँ। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है, लेकिन हम सोच रहे इसको दे आए, वहीं रख दे। क्यों, यहाँ रहोगे? ये देखिए गाइस, हमने बनाया था बेबी के लिए घर, और माँ को पसंद आ गया है। अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए हम, क्योंकि माँ भी हमें बहुत अच्छे से जानती है। यहाँ के डॉग्स वगैरह को हम खाना वगैरह देते रहते हैं, तो ये हमें पहचानती है। अब हम सोचने पड़ गए क्या करें, इसे कैसे अलग करें। अच्छा नहीं लग रहा अलग करते हुए, तो हम इसे धीरे धीरे ही अलग करेंगे। और देखिए कितना प्यारा पपी है। वैसे भी इसके डैडी ने बड़ी मुश्किल से हाँ किया है पपी के लिए, अब माँ को कैसे रख सकते हैं। तो अभी सोचते हैं क्या करेंगे। बच्चे मान रहे हैं, ये मेरी बेटी है प्रिंसेस, जो बेबी से काफ़ी हिल मिल गई है। अब ये पपी है, पपी को ये बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ है, माँ भी परेशान हो रही है। दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ पहले जो हमने डॉग पाला था, तो वो कोई ले गया था, तो हम लोग काफ़ी परेशान हुए थे, काफ़ी उसे ढूंढा ऊँढा, लेकिन नहीं मिला वो। और मेरी प्रिंसेस काफ़ी रोई थी, हम लोग भी काफ़ी परेशान थे, बहुत बुरा लग रहा था। इसी वजह से हम लोग पालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एरिया ऐसा नहीं है कि हम डॉग पाल सकें, काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो इसलिए हम दोबारा पालना नहीं चाह रहे थे, पहले में काफ़ी दिक्कत हुई थी। और ये मेरी बेटी प्रिंसेस है, मान रही है इसे चाहिए ये डॉग। देखते हैं फिर आखिरी डिसीजन इनके डैडी का ही होगा, वो क्या कहते हैं, पपी को रखते हैं या फिर इसके घर छोड़ आते हैं। खेल लो, खेल लो प्रिंसेस, थोड़ी देर और खेल लो, फिर इसके बाद जो पपी को छोड़ आना इसके घर में। फिर इसके बाद ना धीरे धीरे इनकी आदत पड़ तो जाएगी। पता है ऐसे ही कह रही हूँ। जोड़ो नहीं जब ऐसे कह लेके रही, आया था तब भी आप ऐसे ही कह रही थी। अब नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हमें लखनऊ भी जाना है ना, बाहर जाएंगे तो इसको कौन देखेगा। ताई, ताई के पास तो पहले से ही है एक, है? कि आप किसी और को दे देंगे तब तक के लिए। और कौन रखेगा? बड़ी मम्मी के यहाँ भी तीन तीन चार चार बहन, उसके यहाँ भी किसको दोगी बताओ? परेशान होगा ये भी, रोएगा फिर हम लोग नहीं होंगे तो। और क्या, थोड़ी देर खेल, और उसकी मम्मी भी परेशान हो रही है, इसको उसके घर में छोड़ाना। क्या हो गया? और देखो ना कितना प्यार करी वो। चलो खेलो फिर, रखिए आना थोड़ी देर में, ठीक है? क्या कहोगे पापा से? तो फ्रेंड डिसाइड हो चुका है, और ये है हमारे फैमिली का न्यू मेंबर, तो इसे हमने अपना लिया है, और ये आज से हमारे साथ रहेगा। तो कुछ दिन तक ये अपनी मम्मी से मिलता रहेगा, ये इसकी मम्मी। तो कुछ दिन तक हम इन्हें अलग नहीं करेंगे,
और ये फिर उसके बाद हमारे ही साथ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये पप्पी ब्लॉग और हमारे जी बाबू कैसा लगा? इसका हमने नाम रखा है, हमने नहीं बच्चों के डैडी ने नाम रखा है, मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा है क्या, रैम्बो। पहले टाइगर रखा था, अब रैम्बो। तो रैम्बो जिसको जाने की रैम्बो श्रीवास्तव है ये। तो वेलकम टू माय होम, आशी घर इनका भी है। तो आज के लिए तो ही बाय। तो गाइज मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि इसकी माँ जब तक चाहे बेबी की आ सकती है और बच्चे से मिल सकती है, खेल सकती है, तो हम इसे रोकेंगे नहीं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, तो आगे फिर मिलते हैं, बाय।